साहित्य एकेडमी रो ओडिया उपदेष्टा मंडली रे आवाहक सम्माननीय श्रीजुक्त गौरहरी दास, पूर्वांचल साहित्य एकेडमी रो प्रोग्राम अफिसर सम्मानस्पद मिहिर कुमार साहू, भिन्न भिन्न क्षेत्र रे सुप्रतिष्ठित होइथिबा एवं नारी चेतना कार्यक्रम रे भाग नेबा को एठारे निमंत्रित होइथिबा समस्त नारी प्रतिनिधिवृंद एवं साहित्य एकेडमी सहित ओतप्रोत भावे जड़ित थिबा एवं एठारे उपस्थित थिबा समस्त बरेण्य साहित्य प्रेमी एवं सुधीवृंद को मोर शुभ संध्या। मो जीवन और मो आदर्श विषय वक्तव्य रखा पूर्व मुझक चाहे मुझे किसी विशिष्ट व्यक्तित्व असाधारण किसी महान व्यक्तित्व नुहे। मो जीवन में घटी घटना गुड़िक हूँ असाधारण नुहे, सबु साधारण लोकों परी किसी घात प्रतिघात किसी अनिर्दिष्टता अनिश्चितता एवं किसी आनंद उल्लास मध्य बाट चलु चलु मुत साउंटी किसी निरला अनुभूति अनुभव को ता भर किसी अनुभूति मो मन प्राण को आंदोलित एवं उद्दीपित करोर व्यक्तित्व को प्रभावित करो अजाणत मोर जीवन दर्शन गढ़ी उठी से ही अभुला स्मृति गुड़ को पुणी थे सऊंटार एवं आपण मान विशिष्ट व्यक्ति मान आगे प्रकाश कर सुजोग पाइव निजी धन्य एवं गौरवान्वित मन करुँ। साहित्य एकेडमी समस्त कर्मकर्ता मो आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्छे। मोर बापा मनस्तत्व अध्यापक थिले एवं जने आगधाड़ी शिक्षाविद थिले। बापांकर टिके डेरी बयस मोर भाई भणीकर जन्मर अनेक परे बेस व्यवधान रे मु चतुर्थ एवं शेष संतान हिसाब रे जन्म हेले तो मु बहु डेरी रे जन्म होइथिबार घरे गोटे छोट पिला होइथिबार मते आवश्यकतर अधिक गेलवश करी घरे बढ़ाला आ मोर मन अच्छे प्राय 4-5 वर्ष जे अजथा काख हे स्पॉइल्ड हुई मु बढ़ुथिली। मो बापा जदि उत्कल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे कि बाणीविहार कैंपस रू ना सबूत कटक फेरी आसुले कहीं कटक से गोटे बड़ घर और गोटे फार्म हाउस करते आर आकर्षण एत बेसी जे से संध्या बेले फेरी आसुले मुझ सारा दिन अपेक्षा करी रोते आग्रह सहित केत बापा फेरी आसवे से आसिले मुझ दौड़ी दौड़ी कोल बसि पड़ी एवं बापा मत आदर कर माँ तू जन्म नहीं मोर कौन हो आमे तो बिना केमती बंची था मो आनंद गदगद हो जाऊली। मो सांगे आम घर आउ गोटे बड़ आल्सेसन कुकुर से मध्य बापा गोड़ तले बसिक गेल होता ता मो भितर एत प्रभेद था मो गोड़ उपर से गोड़ तले बसी आम दुईज को गेल करू मोर बापा हूँ तो भूली जाइए बापा जी कि भारत ओडिशा तथा भारत मनोविज्ञान जनक मो बापा हूँ तो भूली जाइए जे कुकुर मो भितर अनेक फरक अच्छी कुकुर को हुए तो प्रचुर खाद्य बहुत भल पाइबा कुकुर जथेष्ट किंतु मोपाई से तक जथेष्ट नुहे मोर आवश्यकता हुए तो कुकुर ठार बहुत अधिका मोर जे गोटे सेल्फ रेस्पेक्ट अच्छी नीड फॉर रिकॉग्निशन अच्छी नीड फॉर मोर जे गोटे सेल्फ फुलफिलमेंट बा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आवश्यकता अच्छी से कथा बोलते मोर बापा भूली जाइए नुआकरी प्रतिष्ठा करिथिबा मनोविज्ञान विभाग को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल रे प्रतिष्ठित करबा पे जो व्यस्तता एवं हठात मोर अजा सज्जा हो जाइथोर माँकर अनुपस्थित से भूली गले मोर पढ़वार बयस हो गला हठात बापा बोध दिन मन पड़ा जो पाठपढ़ा आरंभ करनी तेणु 6 वर्ष मत नहीं ग्रैंडहियर हाईस्कल ना लिखेदे प्रथम कथा तो मोर पाठ संगे किसी संपर्क नथिला ता छड़ा मु सारा दिन फार्म हाउस रे माछधरा देखी मटर गछर मटर तोली प्रजापति को धरी दिव्य आनंद बुलूला बेले हठात गोटे स्कूल भाई बोरींग आ गोटे विरक्तिकर जगह को जानती कहीं ता छड़ा प्रथम दिन ही मो पाख पिलार माड़ मरा देखी मुझे स्कूल गली तेणु सिक्स क्लास बापा पुणी नहीं कि मतलब बोर्ड स्कूल सेकेंडरी बोर्ड हाईस्कल भर्ती करदे तापर से मुझ गली कहीं भी जाती प्रथम कथा तो मत पाठ किसी आसुनी द्वितीय कथा मो माँ मो भविष्य भल बाड़ हम भाभी घन घन मत लंडा करदे आम भारतीय मैंने अतीत ना भविष्य था वर्तमान न था वी आर आइदर इन अवर पास्ट और इन योर फ्यूचर बट वी आर नेवर इन योर प्रेजेंट आमर भविष्य विषय आम एत उद्विग्न आप्रिहेनसीव थाउ जदि आम वर्तमान को आम ठीक भाव उपयोग न करू हे तो आम भविष्य अंधकारमय होमें भावु भविष्य अंधकारमय हो बन हो बर्तमान जे निश्चय अस्वस्तिकर हो उठे से किसी संदेह नहीं तेणु
मोर भविष्य केशवती कन्या हुए बा न हुए मु बिल्कुल स्कूल जीवा को लंडा है कि पसंद कलिनी तापर थरे केबे जाईथिली भी मते के लांडी बेली भी कहिला तापर मो स्कूल जीवा पूरा बंद कर देली तापर मनरे भाबिली माने आपण भाबंतु जदी जणे पिलार कोनोसी स्कूल रे इम्पोर्टेंस बा गुरुत्व नाही एवं तार मध्य सेल्फ एस्टीम माने आत्म माने मर्यादा बा बाधा प्राप्त होउची से काहे कि बे स्कूल जानता स्कूल जीवा भी बंद कर देली तापर कौन है कि परीक्षा परीक्षा कौन दौली अष्टम श्रेणी हाफ इयरली परीक्षा में मोर अति शोचनीय नंबर रहा से मो बापा प्रथम थर पर डरीगले अन्य पुओ मैंने खूब भल पढ़ी आई आई टी ए मेडिकल पढ़ुते झीर एतादृश अवस्था देखी से बहुत मर्माहत है मत डाक कहले तू कौन एमती पढ़ुचु जो ये पढ़ु तेब तो फाइनाल परीक्षा निश्चय फेल हो से फेल शब्दा मत जी भयंकर लगला मोप बापा दुखटा मत ताधिक आघात दे संपूर्ण बदली गली पाठपढ़ मन देली आठ वर्ष पछरे थिले मात्र दुई तीन वर्ष मैट्रिक परीक्षा खूब भल नंबर कर रखी पास कली प्लस टू फर्स्ट क्लास पे यूनिवर्सिटी स्टैंड कली बी ए फर्स्ट क्लास फर्स्ट हेली एम ए फर्स्ट क्लास फर्स्ट हेली गोल्ड मेडल पाली एम फिले फर्स्ट क्लास फर्स्ट हेली कि ये मुझे चाहे मुझे पढ़ुली मो मोर बापा को दुख आघात आघात न हो दुख न हो मोप अपमान हो न हो से भाव पढ़ुली मुझे भी बुझी पार नी मु पढ़ले मोर उन्नति हे मु प्रतिष्ठित होबी एवं जीवन में किसी करी कहीं आम झील मैंने जोबले सामाजिकरण प्रोसेस रे सोशलाइजेशन प्रोसेस रे आम एभरी भाव तमिल पाऊ तालीम पाऊ जे विवाह पूर्व बापा विवाह पर स्वामी एवं संतान ही आम बचार निशार निजी को भूली जाऊ निजर व्यक्ति सत्ता को क्योंठी जे हजाई दे आम निजे भी जापरि मो मन के प्रश्न उठे मुझे पुओ ही था मो पाठपढ़ा कौन मोर बापा माँ एत कम गुरुत्व दे था अवश्य मो बापा माँ को मुझे सब दोषारोप करी से डिफेनसीव हो कहते आम घर तो समस्त भल पढ़ती सब बेले बही पढ़ु था तोर अगति थिला कौटी बर आम तेत स्वाधीनता देवु तो परवर्त काल में पाठ पढ़िलु कि बेले बेले भावे जी प्रकृत कथा हुए तो मुझे झीवर मो बाबत विशेष आस्पिरेसन ही नथिबो आउ हुए तो धारणा थिबो मो बहुत बेसी अचीवमेंट ओरिएंटेड हेले करियर कॉन्शियस हेले हुए तो मोर फैमिली लाइफ अफेक्टेड हबो तेणुक गोटे झील को केबे तार जे गोटे परिचय सृष्टि करिबा दरकार से कथा समाज बुझे ना तार परिचय हूँ तार संपर्क परिचय से भल माँ भल झी भल बोहू ही पारे कि नहीं तो आभिजात्य पूर्ण प्रासाद मध्य सुरक्षित भाव में गेल्हाई बढ़ुले हृदय निवृत्त कोण से मोर हताशा और हीनमन्यता डीप डाउन माय माइंड आई हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इनफेरियरिटी एंड इनएडिक्वेसी प्रथम कथा तो छोट बोली मो कथा को किए गुरुत्व दौन जहाँ कहते हसिकी उड़े दूसरे तापर पुणी भाई मैंने इंग्लीश मीडियम स्कूल में पढ़ुते मो डेरी हो कि ओडिया मीडियम स्कूल में पढ़ुते मुझे जहाँ कहते मोर एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन सब भूल हो कहते मुझे स्कूल पढ़ुली मोर सार इंग्लीश इंग्राजी पढ़ुवा शिक्षक अब्राहम लिंकन को पढ़ला बेले अब्राहम लिंकन बोली कहते से भाई अवस्था मुझे केमती बहुत बढ़िया प्रॉपर परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन करती से कथा से भावन पिलादिन अनुभूति बहुत माने बहुत प्रभाव पड़े तेनाली पिलादिन मुझे बेस भल पढ़ु नवर हे तो मत गोटे निजी को बड़ अक्षम मो भाई मान तुलना बड़ अक्षम अपारग बोली लगुला तेणुक मो भितरे भितरे संकुचित हो जाऊँ प्रख्यात मनोविज्ञानी आडलन मतरे प्रत्येक मनीष निज को दक्ष एवं योग्य बा सुपीरियर बोली प्रतिपादित करने अहर उद्यम करुए जार फिलिंग अफ इनएडिक्वेसी जिते बेसी तार स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी सेते अधिक तेणु मो पिलादिनु जितेबले मो बड़ होगी परवर्त काल में मुझे सब भाविली मुझे अक्षम नुहे मुझे अपारग नुहे मुझे अजोग्य नुहे प्रतिपादित करने चेष्टा कली मोर समस्त शक्ति समस्त सामर्थ्य दे मोर मुँह प्रतिपादित संप्रसारित करने सब डायमेनसन मुझे भल करने को चेष्टा कली बाहर पर समाज जो एक्सपेक्टेशन अनुसार भल गृहिणी हाबक चेष्टा कर विभिन्न प्रकार रंधाभड़ा शिखा भल लोक डाक खावाक दबा स्त्री कर पिला को पढ़ेबा तार जत्न नवा यह सब करके बर्ष बर्ष धरी बीतेदेली किंतु मो चारिपटे गोटे सुंदर बगीचा थिला मु तो बहुत अब्सेसिव थी और सब कम बहुत अधिका ओवरडो करी बहुत परिश्रम करी से बगीचार मुझे इतने परिश्रम कली एत फूल लगे जो मो बगीचा गोटे बहुत सुंदर बगीचा है शह शह बंधु बांधव आम घरे आमर जिते सांगसाथी से बगीचा देखा आसुले बहुत वर्ष धरी मुझ डिस्ट्रिक्ट लेवल फर्स्ट भी हेली
ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଇନାଡିକ୍ୱେସି ଥିଲା ବଗିଚା ପରି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଦେଖାଇଲା ପରେ ମୋର ସେଇ ଯେଉଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ଆସେ ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ମୋର ସବୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍କୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାପରେ ସୁଚରିତା ପତ୍ରିକା ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ମଣିଷକୁ କେତେ ତା'ର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ସୁଚରିତା ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ଗପ ଲେଖିଲି, ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିଲି, ରେଡ଼ିଓରେ କହିଲି, ଟିଭିରେ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲି, ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲି। ତେଣୁକରି ମୋର ସୀମିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମୋତେ ଯାହା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା ମୁଁ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ତା'ପରେ 2002 ମୁଁ ରେଭେନ୍ଶା କଲେଜ ଆସିଲି ଏବଂ ସେଠି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପଢ଼େଇଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ ହସ ମୁହଁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳେ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ ତାକୁ କୌଣସି ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ରେଭେନ୍ଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଲି, ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଡିନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଭାବରେ ବହୁତ କାମ କଲି ଏବଂ ସେ କାମ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ୍ଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଯେ ମୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଗଲା ତା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ତା ସହିତ ମୋ ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯାଇକି ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲି ଏବଂ ଏତେ ଡେରି ବୟସରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଇଥିବାରୁ ମୋତେ ହୁଏତ ଟିକିଏ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲା ମୋ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ଯେ ଆଡ଼ଭର୍ସିଟି, କେତେ ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭିତରେ ଯାଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଗୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲା ପରେ ମୋର ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ବାପା ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ଜୀବନରେ, ସେ ମୋର ଛୋଟ ପୁଅ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମା ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲେ ସେପଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ରାତିରାତି ଧରିକି ଶୋଇପାରେନି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ, ଅଧରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖେ ଏବଂ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ବି ମୋର ପାଠପଢ଼ା ବା କମି କିଛି ତାଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାତିରେ ବାପାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର୍ ଲେଖେ, ଗୋଟେ ହାତରେ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆର ହାତରେ ମୁଁ ବହି ଲେଖେ ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ମୁଁ 8 ଖଣ୍ଡ ବହି, ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ 2 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରାୟ 40 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାରିଛି ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ମୋର 5 PhD ମଧ୍ୟ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି। ତ ତା ଛଡ଼ା ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ବି ବାପାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ହେଇଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଆମେ ଅସୁବିଧାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରୁଛେ ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖାଲି ଆଉ ଏତେ ଲମ୍ବା କହିବିନି, ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆସିଥିଲା। ମୋର ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ମୋ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଯଦିଓ ଟିକିଏ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ନାରୀ ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସନାତନ ରଥ ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ ଇଏ ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ ସିରିୟସ୍, 85% ଚାନ୍ସ ସେ ବଞ୍ଚିବନି, 10-12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ। ମୋ ଆଖିର ଦୁଇଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ସେଠି ପାଖରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା, ସେ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ତାକୁ 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ରଖିଛୁ ଯେ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହିଯାଉଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ନାରୀର ମନ ଭରି କାନ୍ଦିବା ତ ଦୂର କଥା, ଆଖିରେ 2 ଠୋପ ଲୁହ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୁନିଆ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦିଏ କି, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯାହା ଏଭଳିଆ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ହାମରେ ତାଙ୍କର 2 ମାସ କୋମାରେ ରହି ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ହୋଇକି ତ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଲି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ PhD ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡାଇରେକ୍ସନ୍କୁ ମନ ଭୁଲେଇ ଦେଲି। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ହେଲା, ତା'ପରେ ମନ ଭୁଲେଇ ଦେଲି, ରାତିରାତି ବସି PhD ସାରିଲି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରମାଟିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ କାମରେ ମୁଁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ବି ପାରି ହୋଇଗଲି। ତ ମୁଁ ସେ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ୱାନ୍ ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ସକମ୍ ଟୁ ଦ ସିଚୁଏସନ୍, ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ କନ୍କର୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍। ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଦ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ, ୱି ଆର୍ ଦ କ୍ରିଏଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍।
10% is what happened to us and 90% is how we react to them. तेणु मु विश्वास करे मु जहां पलकर स्थितिवादी दार्शनिक जहां पलक भाषा रे मनुष्यर समस्त कार्यकलाप से निजे ही दायी. नथिंग इज डेस्टिन, वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी. प्रबल इच्छाशक्ति, दृढ़ मनोबल, गभीर आत्मप्रत्यय थिले असंभव भी संभव हो जाए. ता छड़ा मते गोटे कथा मुझे कहवाक चाहिए, मु विश्वास करे कौनसी काम पे बयस गुरुत्वपूर्ण नुहे. एज कैन नॉट बी ए बैरियर फॉर एनीथिंग टू स्टार्ट. शेषे मोर वक्तव्य शेष करने पूर्व सब नारी को मुझे कहि अंप समय देवा पूर्व निजपे कि समय देवा दरकार. निजी भल लगुवा कम कर निजर अंतर्निहित शक्ति को विकास करने निहांती दरकार. से नारी हो पुरुष हो मन रखा कथा जे ट्रू कंटेन्टमेंट लाइज इन डिस्कवरी वन्स ओन सेल्फ. धन्यवाद.